हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना दिलजीत और आज आपको मैं एक इनाल्सा के नए एयर फ्रायर के बारे में बताने वाला हूं। उसकी स्पेसिफिकेशंस भी बताऊंगा और उसे इस्तेमाल कैसे करना है वो भी बताऊंगा। ये जो सामने यूनिट पड़ा है ये इनाल्सा का है और इसका मॉडल है इनाल्सा डिजिटल एयर फ्रायर टेस्टी फ्राई। ये कैपेसिटी जो है वो इसकी 4 लीटर है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये बकेट है इसका, इसकी कैपेसिटी 4 लीटर बताई गई है और साथ में दिया गया है ये एक फूड सेपरेटर। कुछ एयर फ्रायर्स आते थे जिनमें एक्स्ट्रा बकेट दिया जाता था, बकेट इनटू बकेट, लेकिन अब ये मोस्टली एयर फ्रायर्स में ऐसे ट्रे ही देते हैं। ये एक इसके ऊपर एरो बना हुआ है और जो इसकी मेन बकेट है उसमें भी एक एरो बना हुआ है। यू कैन सी दिस, आपने इसे फिक्स करना है जैसे इसमें एरो दिया गया है। ये बकेट ऐसे फिक्स हो जाएगी और इसके नीचे थोड़ी जगह दी गई है ताकि जो एयर सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली हो सके। ये आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर एक हीटिंग एलिमेंट दिया गया है, इसकी वोल्टेज है 1400 और इसके नीचे एक पंखा दिया गया है जो उसी की हवा होती है, गर्म हवा लेके हीटर की, वो हमारी चीज़ों को एयर फ्राई करता है। ये नीचे एक स्विच दिया गया है, जब तक हम इसमें बकेट इंसर्ट नहीं करेंगे ये जो हमारा एयर फ्रायर है ये काम नहीं करेगा और जो बकेट है वो इसे प्रेस करती है। आई विल शो यू, ये आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे, अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो तभी एयर फ्रायर चलेगा। और इसको ऑन करने के लिए जो इसकी बकेट है उसमें एक एरो दिया गया है, या कह लीजिए कि एक जगह दी गई है जो उसे जाके प्रेस करती है। ये एक चीज़ है, ये उस बटन को प्रेस करेगी और हमारा जो एयर फ्रायर है वो काम करना शुरू करेगा। सो वी नीड टू इंसर्ट द बकेट प्रॉपरली एंड व्हेन इट विल टेक इट्स प्लेस इट विल स्टार्ट वर्किंग। ये इसका प्लग है जो छोटी सॉकेट में 5 एम्पेयर की सॉकेट में लग जाएगा और आपको आसानी होगी क्योंकि 15 एम्पेयर की सॉकेट या बड़ी सॉकेट कई बार किचन या रूम में नहीं होती। ये जो इसकी वायर है ये 1 मीटर लंबी है, सो इसे पास ही रखना पड़ेगा जो पॉइंट होगा, जो सॉकेट होगी उसके पास। क्वालिटी वाइज इसकी फिट एंड फिनिश अच्छी लग रही है, बॉडी प्लास्टिक की है लेकिन फिर भी फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी है। और इसका जो कंट्रोल्स दिए गए हैं वो अब मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। इसका जो डिजिटल डिस्प्ले या डिजिटल कंट्रोल है वो इसके टॉप पे दिया गया है, मैंने प्लग इन कर दिया है और जैसे ही मैं इसको स्विच ऑन करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि एक ऑन ऑफ स्विच जो है वो ग्लो करना शुरू हुआ है। जैसे ही मैंने इस ऑन ऑफ बटन को प्रेस किया है ये कुछ इंडिकेटर्स ग्लो होना शुरू हुए हैं। ये प्लस का साइन है, ये टेम्परेचर और टाइम का साइन है, ये माइनस है और ये जो ऑन ऑफ है जहाँ से हम एयर फ्रायर को ऑन या ऑफ करेंगे, ये मोड बटन है जहाँ से हमें इसके जो प्रीसेट मेन्यूज दिए गए हैं उन्हें सिलेक्ट करना है, और ये है जब हमने इसे चलाना शुरू करना है या जब हमने इसे पॉज करना है तो उसके लिए हम इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ही मैं इस बटन को मोड के बटन को प्रेस करता हूँ आप देख पाएंगे कि ये जो ऊपर प्रीसेट मेन्यूज हैं वो ग्लो होना शुरू हुए हैं। टेम्परेचर की सेटिंग्स 200 पे आई है और जो टाइम आया है वो 25 मिनट आया है जो ऑटोमेटिकली प्रीसेट इसका मेन्यू है। ये इंडिकेटर जो ग्लो होना शुरू हुआ है ये फ्रोजन फूड के लिए है, जैसे हम फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं इसमें। ये है बेकन, ये मफिन्स वगैरह अगर बेकिंग करनी है आपने। ये है चिकन के लिए, ये श्रिम्प्स, ये वेजिटेबल्स के लिए है, ये स्टीक और ये फिश। जैसे जैसे मैं मोड बटन प्रेस करूँगा इसका जो मोड है वो चेंज हो जाएगा, उसकी जो आपकी सिलेक्शन है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये मैंने प्रेस किया तो ये मफिन पे आ गया, नेक्स्ट टाइम प्रेस करता हूँ तो ये चिकन पे, और ऐसे ही आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं कि जिस भी मेन्यू पे, जिस भी प्रीसेट मेन्यू पे आपने कोई चीज़ बनानी है उसी हिसाब से इसमें टेम्परेचर और इसका टाइम जो है वो प्रीसेट किया गया है। लेकिन मैं फिर भी ये सुजेस्ट करूँगा कि क्वांटिटी के हिसाब से ये जो टाइम और टेम्परेचर है ये वेरी कर सकता है। जैसे जैसे आप इसे इस्तेमाल करना शुरू करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कितने टेम्परेचर और कितने टाइम के लिए हमने उसे एयर फ्राई करना है ताकि वो प्रॉपरली कुक हो जाए। इसका टाइम या टेम्परेचर अगर हमने कम या ज़्यादा करना हो तो इस बटन को प्रेस करना है, और अगर हम इसे प्लस करें माइनस करेंगे तो ये टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, अगर हम इसे प्लस करेंगे तो ये टेम्परेचर
बढ़ना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम प्रेस करते हैं तो ये इंडिकेटर टाइम सेट करने के लिए है। ये मैं अब प्रेस कर रहा हूँ तो इसका टाइम जो है वो बढ़ रहा है। ये माइनस प्रेस करूँगा तो इसका जो टाइम है वो कम हो रहा है। सो आपने जब भी कोई चीज़ बनानी है तो आप अपने हिसाब से इसका टाइम और टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। इसकी जो टेम्परेचर की रेंज है वो 80 डिग्री से लेके 200 डिग्री तक बताई गई है और जो टाइम है वो 0 से लेके 60 मिनट तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। रीसेट मेन्यू में फ्रोज़न फूड के लिए ये टेम्परेचर की सेटिंग है 200 डिग्री सेल्सियस और टाइम दिया गया है 25 मिनट। और अगर आपने इसे चलाना है उसके लिए तो आपको ये बटन प्रेस करना है, इट विल स्टार्ट वर्किंग। ये फ़ैन का इंडिकेटर ग्लो होना शुरू हुआ है, इसका मतलब है कि जो एयर फ्रायर है उसने काम करना शुरू कर दिया है। आपने इसे इन बिटवीन रोकना है तो इसे प्रेस करेंगे तो ये पंखा इसका अभी चल रहा है लेकिन इसने हीटिंग जो है वो करना बंद कर दिया है। ये 30 सेकंड के बाद ये पंखा भी बंद हो जाएगा और ऐसे ही जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे और ये इसका टाइम पूरा हो जाएगा जितने टाइम के लिए आपने इसे कुकिंग पे लगाया है, तब भी जो फ़ैन है वो 30 सेकंड्स के लिए चलता रहेगा ताकि इसका जो हीटिंग एलिमेंट है वो थोड़ा ठंडा हो जाए और उसकी लाइफ ज़्यादा हो। यू कैन हेयर द वॉइस, जो पंखा है वो चलना बंद हो गया है अब और इसे अब रीस्टार्ट करना है तो यू जस्ट नीड टू प्रेस इट अगेन, इट विल स्टार्ट वर्किंग। इसके टच बटन हैं, प्रेस बटन नहीं है, सो इट इज़ वेरी यूजफुल। लेकिन मैं कहूँगा कि जो बकेट इनटू बकेट एयर फ्रायर्स आते थे पहले उन्हें मैं प्रेफर करूँगा क्योंकि इनमें ये जो प्लेट दी गई है ये शायद उतना अच्छा काम कर पाएगी कि नहीं या उतना कन्वीनियंट होगा हमारे लिए कि नहीं, इसके बारे में मेरी दूसरी राय है। आजकल ज़्यादातर जो एयर फ्रायर हैं उनमें बकेट सिंगल ही आने लगी है और ऐसे ही एक प्लेट नीचे दे देते हैं, इससे काम करना थोड़ा मुश्किल हो गया है पहले वाले जो एयर फ्रायर थे उनसे। लेकिन कॉस्ट कटिंग के लिए ये लोग शायद अब इसी तरह के ही बकेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इसकी कॉस्ट कम पड़ती है। सो मेरे हिसाब से आज भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं प्रेफर करूँगा कि जो बकेट इनटू बकेट वाला एयर फ्रायर है वही लूँ। कीमत जो है इसकी वो बहुत रीज़नेबल है, इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप उसे परचेज़ करना चाहें अमेज़ोन से तो वहाँ से ले सकते हैं, वैसे लोकल मार्केट से भी ट्राई करेंगे तो आज की डेट में ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे आपको ये मिल जाएगा या आप इसे फिज़िकली वहाँ चेक कर सकते हैं। सो चॉइस इज़ ऑल योर्स। वारंटी जो है इसकी वो एक साल की ही है और अगर आप इसे रजिस्टर करवाते हैं ऑनलाइन तो फिर आपकी एक साल वारंटी और बढ़ सकती है, वो चीज़ें सभी बताई जाती हैं जब आप एयर फ्रायर परचेज़ करते हैं। प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी वाइज इट्स क्वाइट गुड, प्राइस इज़ कॉम्पिटेटिव और अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि आपको इसकी पूरी डिटेल बता पाऊँ। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। आपका फीडबैक मेरे लिए प्रेशियस है, प्लीज़ शेयर योर फीडबैक एज़ वेल। थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू।